नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है इसमें भारत की परिवहन व्यवस्था के संदर्भ में है और खास तौर पर परिवहन व्यवस्था में हम सबसे पहले सड़क मार्गों की बातचीत करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे रेल मार्ग है, जल मार्ग है, इन सब के भी विषय में चर्चा बारी बारी से होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है, क्या द्वितीय स्थान है या फिर तीसरा स्थान है, देखिए चतुर्थ या फिर प्रथम। देखिए चारों ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इसको बताते रहिए, तब तक हम थोड़ा सा इसके विषय में विश्लेषण कर लेते हैं। हम आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। और जब नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों, तो इसे हम सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, ये पूरा का पूरा भले ही अब ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसे हम सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहेंगे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक शब्द हमने लिखा कि नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, यानी सिंधु सभ्यता भारत की नगरीय सभ्यता है, इस बात को आपको समझना है। और नगरीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था, तो ध्यान दीजिएगा, इतिहास को जब हम खंगालते हैं, ऐतिहासिक स्रोतों पर हम लोग देखते हैं, तो हम पाते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण प्रणाली पर काटती थी। कैसे काटती दोस्तों? एक दूसरे को समकोण प्रणाली पर काटती थी, और ऐसी सड़कों को हम ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित सड़कें कहते हैं। ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित सड़कें कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित सड़कें कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बीच में यहाँ पर आजकल चौराहा जैसे बना दिया जाता है। इस प्रकार की सड़कें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलती है। इसके पश्चात आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि जो मौर्य काल का समय रहा, मौर्य डायनेस्टी का समय रहा, उसमें सड़कों की लंबाई पर ध्यान दिया गया, अर्थात सड़कों का और ज्यादा विस्तार हुआ। और उस विस्तार में आप देखेंगे तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, उत्तरापथ की बातचीत करें दोस्तों, तो ये जो आप देख रहे हैं ताम्रलिप्ति दोस्तों कहीं ना कहीं पड़ता है। ताम्रलिप्ति की बातचीत करें, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और यहाँ से ताम्रलिप्ति से लेकर दोस्तों आप देखेंगे तक्षशिला तक ये सड़क जाती थी, जिसे उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। वहीं दक्षिणापथ की बातचीत करें दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी से लेकर सीधा सीधा साउथ तक जाती थी, जिसे हम दक्षिणापथ कहते। तो आप सोच सकते हैं कि ये मौर्य काल में सड़कों की लंबाई बढ़ाई गई, सड़कों का और विस्तार किया गया, और इन्हें हम क्रमशः उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के नाम से जाने। इसके आगे की अगर हम लोग बातचीत करें तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा था, सम्राट था, जिसने अपने जमाने में सड़कों के निर्माण के लिए एक अलग से मंत्रालय स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि सड़कों का निर्माण, उसकी मरम्मत, देखभाल की जा सके। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा यह भी जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन इसके जो फैसले रहा करते थे वो सही वक्त पे नहीं रहते थे, अर्थात सही समय पे उसने फैसले अच्छे से नहीं क्रियान्वित किए, इसीलिए इसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस प्रकार का मंत्रालय स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए बात आती है 1852 ईस्वी में कॉटन, एक अंग्रेज का नाम है दोस्तों कॉटन महोदय साहब लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, किताब का ही नाम है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इन्होंने जो है जब ये किताब में लिखा, तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी कि हमारे देश में एक अलग से
एक अलग से व्यवस्था हो, और उस व्यवस्था में आप देखेंगे 1853 ईस्वी में, याद रखिएगा 1852 ईस्वी में ये समय है, 1852 ईस्वी में PWD विभाग की स्थापना की गई, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, ठीक है। 1900 अब इसके बाद देखिए एक और इसमें साक्ष्य है, ऐतिहासिक स्रोत है, इसको भी ध्यान देना है। जैसे नागपुर योजना है, नागपुर योजना सड़कों पर आधारित थी, और यह योजना 1942 ईस्वी पर लाई गई। इस योजना का उद्देश्य यह था कि भारत में आखिर कितने प्रकार की सड़कों का बनाया जाए, भारत में जो सड़कें वो कितने प्रकार की बने। तो इस योजना में देखिए चार प्रकार की सड़कों की बातचीत हुई थी, उसमें पहला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, दूसरा देखिए क्या है राज्य राजमार्ग हो गया दोस्तों, तीसरे नंबर पे यह बातचीत करें दोस्तों तो जिला सड़क हो गई, और इसके बाद ग्रामीण सड़क हो गई। थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना है, जब आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक सिंबल होता है, सड़क के किनारे पत्थर गड़ा होता है, उस पत्थर में ऊपर का जो कलर होता है वो पीला होता है, आपने देखा होगा क्या होता है दोस्तों, पीला होता है, और बाकी नीचे वाला जो कलर है वो सफेद ही रहता है, ठीक है। सफेद पट्टी सब में कॉमन रहेगी, तो पीला और सफेद ये जो सिंबल है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए है, नेशनल हाईवे के लिए है। अब इसी प्रकार से यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऊपर की पट्टी क्या रहे, हरी रहे, और नीचे की पट्टी क्या रहे, सफेद रहे। तो ये हरी और यानी ग्रीन एंड व्हाइट ये जो पट्टी है ये राज्य राजमार्ग को दर्शाती है। इसी प्रकार यहां पर आप देखिए एक है दोस्तों ब्लैक, ऊपर की पट्टी क्या रहे, ब्लैक रहे, और नीचे की पट्टी क्या रहे दोस्तों, व्हाइट रहे। इसका मतलब ये है कि ये जो पट्टी है दर्शाती है जिला सड़क के लिए या फिर शहर सड़क के लिए, सिटी रोड के लिए। ग्रामीण सड़कों के लिए भी देखिए पट्टी होती है, इसमें आप देखेंगे इसमें केसरिया कलर होता है, याद रखिएगा केसरिया कलर होता है, और निचले वाली जो पट्टी है मैंने बताया कि व्हाइट इसमें सब में कॉमन है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब देखिए विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप सभी लोग इसमें दूसरा स्थान अर्थात ए ऑप्शन को सभी लोग बता सकते हैं, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला सवाल है नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। देखिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 22 लाख किलोमीटर, 23,51,298 किलोमीटर, चौथे और तीसरे ऑप्शन में है 24,65,887 किलोमीटर, और डी ऑप्शन पे आप देखेंगे 48.65 लाख किलोमीटर लिखा हुआ। इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों अब इस समय अगर हम नवीनतम आंकड़ों की बातचीत करें, 2022 के नवीनतम आंकड़ों की बातचीत करें, तो हमारे देश में कुल सड़कों की जब बातचीत होती है तो लगभग 63 लाख के आसपास ही पहुंच चुका है। कितना दोस्तों, 63 लाख किलोमीटर तक ये मामला पहुंच चुका है, ये आंकड़ा बढ़ चुका है, ऐसा नहीं है, ये आंकड़ा बढ़ करके कितना हो गया, 63 लाख किलोमीटर के लगभग पासिंग हो गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 47 लाख, याद रखिएगा 47 लाख किलोमीटर ये राष्ट्रीय राजमार्गों की बातचीत है। राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना मामला है, 47 लाख किलोमीटर है, और कुल सड़कों का कितना मामला है, तो आप देखेंगे दोस्तों 63 लाख किलोमीटर है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसमें अब भी ऑप्शन को सही करिए, अब तो ये बढ़ गया है ना, तो उस समय का जब क्वेश्चन रहा होगा तो उस समय ये क्वेश्चन का जवाब ये रहा होगा। अब आगे चल के भी देखिए नेशनल हाईवे की बातचीत होगी, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो आप यहां पर 48.65 कर सकते हैं, बाकी आपको इसको लिख लेना है कि 63 लाख किलोमीटर हो चुकी है कुल लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, यानी सड़क परिवहन का योगदान आपसे पूछा जा रहा है, क्या 20% है, 40% है, 60% है, या फिर 80% है। इसमें सीधा सीधा सी को आप सही करिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से
भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? देखिए, पक्की सड़कों की बातचीत हो रही है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन से हैं? पहले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दिया है, इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल दिया है, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इस सवाल का जवाब आपको बताना है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र और तमिलनाडु को सही करना है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक है, अर्थात बड़े से छोटे की ओर हम लोगों को आना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को शामिल करिए, इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र को, देखिए उत्तर प्रदेश को शामिल करिए, सबसे पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र को शामिल करिए, फिर तमिलनाडु और इसके बाद फिर उड़ीसा को शामिल करिए। तो कुल मिला के आप देखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी लोग यहां पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? राष्ट्रीय राजमार्गों की जब बातचीत हो रही दोस्तों, बताइए आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है? निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है दोस्तों, सभी लोग बताने का प्रयास करिए कौन सा सही होगा। तो इसमें आप सभी लोगों को डी ऑप्शन सही करना है। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? क्या 49,585 किलोमीटर है या फिर 51,996 किलोमीटर है, इसी प्रकार 70,934 किलोमीटर है, या फिर आप देखेंगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 10,000, याद रखिएगा ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 104,075 किलोमीटर। अभी अभी हमने बताया कि भारत में कुल सड़कों की लंबाई लगभग आप देखेंगे 63 लाख किलोमीटर है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। उस 63 लाख किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई NH नेशनल हाईवे की जो लंबाई है दोस्तों, ये आपका 47 किलो, याद रखिए 47,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच रहा है। सॉरी, वहां पर मैंने शायद लाख शब्द का यूज किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुल सड़क एक अलग बात होती है, यहाँ पे कुल सड़क की थोड़ा सा बात को समझना है। कुल सड़क में देखिए NH भी शामिल है, स्टेट हाईवे भी शामिल है, इसी प्रकार से सिटी रोड भी शामिल है, या फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड शामिल है, और इसी में आप देखेंगे रूरल रोड्स भी शामिल हैं, और हमारे जो आपके बॉर्डर रोड्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो इन सब को अगर हम लोग कुल मिला दें तो ये क्या बनता है, 63 लाख किलोमीटर, ठीक है। और नेशनल हाईवे की जब बातचीत करेंगे दोस्तों, तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 47,000 किलोमीटर के आसपास है, ये याद रखिएगा। ये भारत के कुल सड़कों का, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है, ये भारत के कुल सड़कों का लगभग 2% है। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2% है, और यह भारत के कुल सड़कों के परिवहन का अकेले 40% भाग कवर करते हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसमें सही जवाब कौन सा होगा? देखिए 47 इसमें नहीं दिया हुआ है, 49 दिया है, 51 दिया है, इसी प्रकार 70 दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को 49 को सही कर देना है। अब इनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझिए, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देखिए 1.54% दिया है,
1.72% दिया है, 1.98% दिया है और 2.24% दिया है। तो देखिए 2% से तो ऊपर ही है, कम नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। फिर से एक बार समझिए कि कुल सड़कों की लंबाई कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा लगभग 63 लाख किलोमीटर है, 63 लाख किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 47,000 किलोमीटर है। ये भारत की कुल सड़कों का लगभग 2% से ज्यादा भाग कवर करते हैं और परिवहन में इनकी हिस्सेदारी 40% के आसपास है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की, आइए इसको समझते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की बातचीत हो, मरम्मत की बातचीत हो, या फिर एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो, उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में सीपीडब्ल्यूडी अर्थात सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, आप सभी लोगों को समझना चाहिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इसके अलावा भी आप देखेंगे दोस्तों एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में मिलकर के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की बातचीत हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की बातचीत हो, ये तीनों समान रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। हमारे देश में इस समय श्री नितिन गडकरी जी हैं जो कहीं ना कहीं भारत के सड़कों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पद पर हैं, अर्थात पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष माने जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोगों को समझना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करता है। 20% दिया है, 40% दिया है, 60% दिया है और 80% दिया हुआ है। सोचिए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करते हैं। अगर हम कुल की बातचीत करें तो कुल में आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 63 लाख किलोमीटर हो गया, इसमें लगभग 47,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गया। नेशनल हाईवे 2% से ज्यादा संपूर्ण सड़कों का भाग कवर करते हैं, और यातायात की बातचीत करें दोस्तों तो यातायात में इनका योगदान ज्यादा है, अकेले 40% है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, 40% को सभी लोगों को सही करना। कितना परसेंट दोस्तों, 40% को समान रूप से सभी लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए यहां पर दिया हुआ है NH1, NH2 दिया है, NH8 दिया है, इसके बाद NH7 दिया हुआ है। दोस्तों आइए सबसे पहले इन नेशनल हाईवे को हम यहाँ पर रख लेते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे समान रूप से किसको जोड़ेगा, ठीक है। पहले इसको समझिए, भारत के नेशनल हाईवे की बातचीत करें, देखिए इसमें नेशनल हाईवे वन दिया है, तो नेशनल हाईवे वन अमृतसर को देखिए किससे जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ता है ना। यहाँ पर दिल्ली हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, अमृतसर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया NH1 हो गया। इसके बाद NH2 दिया हुआ, NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला, NH2 कौन सा हो गया दोस्तों, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला, यहाँ कोलकाता रख दीजिए, ठीक। तीसरा है NH8 की जब बातचीत करते हैं तो NH8 दोस्तों दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को किससे जोड़ता है, मुंबई से जोड़ता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद NH7 दिया हुआ है, तो NH7 देखिए वाराणसी, जब आप NH2 में चलेंगे तो आपको रास्ते में वाराणसी मिलेगा, और वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे हम क्या कहते हैं, NH7 कहते हैं।
इस क्वेश्चन के आधार पर अगर हम लोग यहां की बातचीत करें तो फिलहाल सही कौन सा होगा, NH7 होगा। लेकिन 2012 में सड़कों का बहुत बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 नहीं होगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी को सीधा सीधा श्रीनगर से जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा उसे कहेंगे NH44 कहेंगे। दोस्तों इसको आप सभी लोगों को सही करना। अगर इस समय क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि NH44 है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों से गुजरता है, जिसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं और राज्य भी शामिल हैं। तो याद रखिए, कन्याकुमारी को श्रीनगर से या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम NH44, ठीक है। तो कुल मिला के भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन हम और बढ़ा दें, NH44 कर दें, तो ये जवाब सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर जाके आपको डी ऑप्शन को ही सही करना होगा, ठीक है। दोस्तों जो NH1 है और NH2 है, इन दोनों को आपको पहले समझना है। NH1 और NH2 को जब आप दोनों को शामिल कर देते हैं, इसी को GT रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? GT रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। और इस GT रोड को ही शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। आपकी जो परीक्षा है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि SSC GD इस प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आपके सामने आएंगे, और अगर बेहतर जानकारी है तो आप सभी लोग उसको सही करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, अगर उसमें ऑप्शन रहे NH44 तो आपको NH44 को ही सही करना है, क्योंकि वाराणसी से कन्याकुमारी की जो लंबाई आप देख रहे हैं कम है, और इसकी लंबाई लगभग बढ़कर जो है कहीं ना कहीं 3700 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों NH44 को ही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाएगा आज की स्थिति के अनुसार, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। देखिए अभी तक तो बातचीत रही सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग के विषय में, अब सबसे छोटा कौन सा। NH45A है, NH47A है, NH52A है, और इसके बाद NH1A है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह आप सभी लोग देखेंगे केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है। इसकी जो लंबाई है लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास है। अब ये इसका भी आंकड़ा देखिए बदला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे NH जो है NH 548 हमारे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया है। तो अगर ऑप्शन में दिया, देखो ऑप्शन के हिसाब से पूरा खेल है, अगर ऑप्शन में दिया है NH 548 तो आपको इसको सही करना है, और अगर नहीं है, अगर ये नहीं है दोस्तों, तो आपको अभी भी ध्यान देना है NH 47A, इसको ही आपको सही करना है। तो क्या याद रखिएगा दोस्तों, दो बातें यहां पर आपको निकलकर सामने आई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बातचीत हो रही है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों याद रखिए सभी लोग, NH7 की बातचीत हो रही है, NH7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तीन राज्यों के नाम देखिए मैं लिखे दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये यूपी से होकर गुजरता है, MP हो गया दोस्तों, इसी प्रकार महाराष्ट्र हो गया, इसी प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, इसी प्रकार कर्नाटक हो गया, और इसी प्रकार से केरल हो गया। याद रखिए कर्नाटक के बाद तमिलनाडु हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 राज्यों से होकर गुजरता है NH7। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला को, वाराणसी को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से जोड़ता है।
और यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए 7 ऑप्शन इसमें कहीं देना होना चाहिए। ए ऑप्शन के सामने लिखा है 4, या फिर बी के सामने लिखा है 5, सी के सामने 6 और डी के सामने 7। बिल्कुल आप सभी लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कोलकाता और दिल्ली सामान्य रूप से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं? इसमें NH1 लिखा है, NH2 लिखा है, NH9 लिखा है और NH6 लिखा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग NH1 की बातचीत करें, NH1 की बातचीत करें तो ये दिल्ली को, याद रखिएगा, दिल्ली को किससे जोड़ता है? अमृतसर से जोड़ता है, अमृतसर से जोड़ता है। ठीक है, इसके लिए देखिए पूरा का पूरा व्याख्या ही समझ लीजिए। ये भारत का मैप बना भाई, फटाफट हमने बना दिया। ठीक है, ये भारत का मैप बन गया और इसमें इन राष्ट्रीय राजमार्गों को हमें इंडिकेट करना। अगर हम सबसे पहले पहले वाले की बातचीत करें, जो दिल्ली को किससे जोड़ता है दोस्तों, दिल्ली को जोड़ता है अमृतसर से। दिल्ली को किससे जोड़ेगा? अमृतसर से जोड़ेगा। ये हो गया आपका NH1। दूसरा है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाला जो NH होगा उसका नाम NH2। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि NH1 एंड NH2 इन दोनों के सामूहिक रूप को ही जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीटी रोड कहते हैं। इसको अभी आपको लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको ध्यान समझिए। तीसरा, जब दिल्ली से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगरा मिलता है, आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई जो है दोस्तों ये आपका हो गया NH3 हो गया। मुंबई से सीधा चलें चेन्नई, मुंबई से सीधा चलेंगे दोस्तों चेन्नई, और यहां पर आप देखेंगे मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला है NH4। क्या है दोस्तों? NH4 है। इसी प्रकार चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला NH5 हो गया। NH क्या हो गया? 5 हो गया दोस्तों। तो कुल मिला के हमें इतने में तो आंसर मिल जाना चाहिए। कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा होगा? NH1 होगा? नहीं, NH1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, NH2 की बातचीत करें तो NH2 इसका सही जवाब है। NH1 जब दिल्ली से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें दिल्ली से दोस्तों कहीं ना कहीं ही आप लोग देखेंगे जलंधर शहर बीच में मिलता है। कौन सा? जलंधर शहर मिलता है। और यहाँ से जब हम लोग जाते हैं दिल्ली से तो हमें मिलता है आगरा, मिलता है आगरा, मिलता है दोस्तों कानपुर, मिलता है फतेहपुर, मिलता है इलाहाबाद, मिलता है तमाम ऐसे शहर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो बी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए अभी इसमें हमने बताया कि भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे लंबा कहिए, सबसे लंबा दोस्तों, सबसे लंबा कौन सा है? तो NH 44 है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। और भारत का दूसरे की बात चीज करें तो NH 27 भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन देखिए नहीं दिए हुए हैं। इसलिए नहीं दिए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस जमाने के हैं जब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन का मतलब रहता था। ठीक है, तो हमने फिर भी आपको बता दिया है कि NH 44 और इसके बाद NH 27। अब यहाँ पर NH5 है, NH2 है, इसके बाद NH7 है, इसके बाद NH6 है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए भूल करके भी NH7 को मत लगाइएगा क्योंकि NH7 तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि NH 44 के बाद NH 27 हो गया है ना। अब इसके बाद NH5 है, NH2 है, इसके बाद NH6 है। इसके लिए सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, NH5 जो चेन्नई को सीधा सीधा किससे जोड़ता है? कोलकाता से जोड़ता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही का मतलब यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर जाना है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, इसके बाद फिर कहाँ होगा, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। वो पहले ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान दिया हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के तुरंत बाद राजस्थान का नंबर आना चाहिए।
अब इसके बाद उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा इसमें देखिए मामले बन रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को आप सबसे पहले करिए, फिर इसके बाद राजस्थान को करिए, इसके बाद देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन को सभी लोग यहाँ से सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15वां का जो आपको जवाब मिल रहा है उसमें बी ऑप्शन को ही आप लोगों को राइट करना है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य में है। एक की बातचीत हो रही है, नेशनल हाईवे 1 की बातचीत हो रही है दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली को कोलकाता से, या फिर दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली को अमृतसर से, या फिर आगरा को कोलकाता से, सभी लोग बताएं भाई। दिल्ली को कोलकाता से पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दिल्ली को मुंबई से ये दूसरा ऑप्शन है, दिल्ली को अमृतसर से ये तीसरा ऑप्शन है, और इसके बाद चौथे ऑप्शन पे दिया हुआ है आगरा को कोलकाता से। सोचिए और जवाब दीजिए दोस्तों कि आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन दो नगरों के मध्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि NH1 की जब बातचीत करते हैं तो NH1 दिल्ली को किससे जोड़ता है, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है दोस्तों, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें सही जवाब कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही जवाब। दोस्तों यहां से देखिए और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से क्वेश्चन और आ जाते हैं कि भारत का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो सड़क गलियारा है उसके विषय में क्वेश्चन आते हैं। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो सड़क गलियारा है उसके विषय में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी लोग बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है, पूर्व पश्चिम सड़क गलियारा ये आपके सामने दो दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा किसको किससे जोड़ता है, तो यहां पर देखिए आप श्रीनगर को सीधा सीधा जोड़ने वाला है कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो सामान्य रूप से रोड कॉरिडोर है उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे, नॉर्थ साउथ रोड कॉरिडोर। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, पूर्व और पश्चिम, तो पहले पूर्व पे चलते हैं, तो पूर्व में यहां पर देखिए जगह है, उसका नाम है सिलचर से सीधा सीधा ये गुजरात के पोरबंदर से, किससे दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर से जुड़ता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर डायरेक्शन रखें, ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ये सिलचर कहाँ पर पड़ता है, असम में, आप लोगों को याद रखें। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा किसको किससे जोड़ता है, तो यहां से आप डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, अर्थात जम्मू कश्मीर से सीधा सीधा तमिलनाडु राज्य को जोड़ेगा। दूसरा है पूर्व और पश्चिम सड़क गलियारा, तो पूर्व का मतलब हो गया असम का सिलचर और पश्चिम का मतलब हो गया गुजरात का पोरबंदर, तो सिलचर से पोरबंदर को ही जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए कोई ना कोई एक जगह होगी जहां पर एक दूसरे को काटेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आ चुका है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो रोड कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो रोड कॉरिडोर है वह सामान्य रूप से किस शहर पर एक दूसरे को काटते। तो अगर मान लीजिए कि आपके सामने यहां पर हम कानपुर रख दें, दूसरे ऑप्शन पे हम झांसी रख दें, तीसरे ऑप्शन पर दोस्तों हम यहां पर विदिशा रख दें, और डी ऑप्शन पर यहां पर रख दें नासिक। क्या रख दें दोस्तों, नासिक। तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा तथा पूर्व पश्चिम सड़क गलियारा किस शहर में एक दूसरे को काटते हैं, और जिस शहर को काटेंगे ना वही जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड कॉरिडोर का जो कार्पेक्स होगा, चौराहा होगा, वो कौन सा होगा,
तो वही उत्तर होगा जिसको आप लोग देंगे, क्या कानपुर है, झांसी है, विदिशा है या फिर नासिक है। यहाँ पर आपको झांसी को सही करना होगा। झांसी ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रोड कॉरिडोर को एक दूसरे से काटता है, इसलिए झांसी को इन दोनों गलियारों का चौराहा कहा जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा दोस्तों याद रखिएगा कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहेंगे? कानपुर को कहेंगे। लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सड़क कॉरिडोर का जो गलियारा होगा वो होगा चौराहा होगा, उसे हम झांसी कहेंगे। इस क्वेश्चन में 16वें में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? सी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक सड़क है, ग्रैंड ट्रंक सड़क कौन सी है दोस्तों? सभी लोग बताइए, क्या दिल्ली एवं मुंबई के बीच में है, दिल्ली एवं कोलकाता के बीच, दिल्ली एवं अमृतसर के बीच है, या अमृतसर और कोलकाता के बीच है? दोस्तों बताइए ग्रैंड ट्रंक सड़क है किनके बीच में है, इसका जवाब क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीटी रोड कहते हैं, इसी को हम शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। अब आप सभी लोग बताइए कि जो जीटी रोड है वो आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं, NH1 और NH2 को जब आप मिलाते हैं तो जो सड़क कॉरिडोर जो सड़क आपका बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ग्रैंड ट्रंक सड़क कहते हैं या फिर जीटी रोड कहते हैं। जिसमें एनएच की अगर हम वन की बातचीत करें तो ये दिल्ली से किसको, अमृतसर से जोड़ता है, अमृतसर से जोड़ता है। और एनएच टू की बातचीत करें तो ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेगा, है ना। अब इसमें जब दोनों को एक रूप में कहा गया तो यहाँ से आप उठाइए कोलकाता को, यहाँ पर रखिए दिल्ली को, है ना। डायग्राम की अगर हम बातचीत करें डायग्राम से तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता से सीधा कहाँ पर आना, अमृतसर आना, ठीक है। एक ऑप्शन कोई ना कोई तो होगा, क्या पहला ऑप्शन है दिल्ली को मुंबई से, भाई दिल्ली इधर है, दिल्ली को मुंबई से ऐसा दिया हुआ है, दिल्ली को कोलकाता से, चलिए भाई दिल्ली को कोलकाता दे दिया, दिल्ली को अमृतसर से, दिल्ली को अमृतसर से दे दिया। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, जीटी रोड बन जाएंगे, ठीक है। एक ऑप्शन और है, अमृतसर और कोलकाता के बीच में है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग राइट करेंगे, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर शाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे शेर शाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH8 है, NH7 है, NH1 है और NH3 है, सभी लोग बताइए भाई। NH8 की बातचीत करें तो NH8 दोस्तों ये सीधा सीधा दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है। NH7 की बातचीत करें तो ये वाराणसी को दोस्तों कन्याकुमारी से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार NH1 की बातचीत करें तो ये जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। और NH3 की बातचीत करें तो दिल्ली, याद रखिएगा, ये आगरा को मुंबई से जोड़ता है। अब जीटी रोड की जब हम बातचीत करते हैं तो कोलकाता से सीधा सीधा अमृतसर को जोड़ता है। अब इसमें कोलकाता से दिल्ली वाला तो दिया नहीं है कि NH2 दिया हो, तो जब NH2 नहीं दिया है तो हमें दूसरे यानी बी ऑप्शन पर विचार करना होगा, बी प्लान पे बातचीत करनी होगी। जब 2 नहीं दिया हुआ, यहाँ 3 दिया है, 2 नहीं दिया है, इसलिए आप सभी लोग देखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, NH1 हो जाएगा, NH1 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, बताएं दोस्तों उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर? नागपुर में मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, हैदराबाद में मिलते हैं या फिर दिल्ली में मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो गलियारे हैं कहां पर मिलेंगे, नागपुर में, झांसी में, हैदराबाद में या फिर दिल्ली में? सोचिए जरा दोस्तों, इस क्वेश्चन का विश्लेषण अभी अभी हमने किया, हमने बताया कि भारत का जो समान रूप से
भारत का जो समान रूप से सड़क गलियारे हैं उसमें एक आप देख सकते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम रख लें श्रीनगर को। अब श्रीनगर तो उत्तर डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम नॉर्थ लिख दिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी शहर ये साउथ में हो गया, ठीक है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो गलियारा होगा उसी को हम कहेंगे उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा, उत्तर दक्षिण सड़क गलियारा कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसमें है पूर्व पश्चिम। अगर पूर्व की बातचीत करें तो पूर्व में इधर क्या है, सिलचर, सिलचर हो गया, सिलचर हो गया। और इधर की तरफ क्या है, पोरबंदर। सिलचर कहां पर, असम में है, सिलचर असम में है। और पोरबंदर कहां पर हो गया दोस्तों, गुजरात में। तो गुजरात की तरफ वाला पश्चिम हो गया और सिलचर हो गया ईस्ट, ठीक है। अब इन दोनों को कहीं ना कहीं मिलाने वाला जो गलियारा होगा उसी को हम कहेंगे पूर्व पश्चिम सड़क गलियारा इसको कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों गलियारे, याद रखिएगा, ये दोनों गलियारे एक दूसरे को किस शहर में काटते हैं, सवाल ये। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा समान रूप से मिलते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों कि 7300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इन दोनों गलियारों की बातचीत करें तो 7300 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और ये दोनों एक दूसरे को किस शहर में काटते हैं, क्या नागपुर होगा, झांसी होगा, हैदराबाद होगा या फिर दिल्ली होगा, इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। यहां पर हमने लिख दिया झांसी दोस्तों, झांसी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। अगर हम यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश का झांसी एक मंडल है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप लोगों को समझना है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है ये आपका झांसी हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झांसी जिला को उत्तर प्रदेश का मंडल भी घोषित किया गया, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश का मंडल। वैसे यूपी में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूपी में मंडलों की संख्या जो है, मंडलों की संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या 18, ठीक है। इसी प्रकार यूपी में जनपदों की संख्या पूछ ले तो इनकी संख्या दोस्तों 75, कितनी है दोस्तों 75 है, इसको भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। अब आप बताइए कि झांसी मंडल में कौन कौन से जिले आ सकते हैं, तो देखिए झांसी एक हो ही गया है ना। दूसरा दोस्तों आप लोग जानते हैं ललितपुर, ठीक है। और एक कौन सा है दोस्तों, जालौन हो गया। ये जो जिले हैं ये किस मंडल के जिले हैं, ये झांसी मंडल के जिले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ललितपुर, झांसी और जालौन ये किस मंडल के जिले हैं, झांसी मंडल के जिले। अब झांसी में ही ये दोनों गलियारे एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए झांसी को इन दोनों गलियारों का चौराहा भी कहा जाएगा। मैं इसलिए इस शब्द पर विशेष रूप से फोकस कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहेंगे तो कानपुर को बताना है, और अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम का सड़क गलियारों का जो चौराहा होगा वो किसे कहेंगे, इसमें आप लोगों को झांसी को बताना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप सभी लोग सोच सकते हैं झांसी अर्थात बी ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसमें से सबसे अधिक लंबाई किसकी है, क्या आगरा की मुंबई से है, चेन्नई की ठाणे से है, कोलकाता की हजीरा से है, या पुणे की मछलीपट्टनम से है। सोचिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वां है, सभी लोग इसके सामने बताने का प्रयास करें। अब यहां से देखिए कुछ बातें हैं,
शुरू से जो मैंने आपको बताया, शुरू से मैंने बताया कि हमारा जो सिंधु सभ्यता है उसमें सड़कें ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर आधारित थी दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है, प्रणाली पर आधारित थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली का मतलब यह है कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। इसके बाद देखिए मौर्य काल की हम बातचीत करें, मौर्य काल में सड़कें बनाई गई जिसमें उत्तरापथ का नाम सुने होंगे दोस्तों, उत्तरापथ का मैंने नाम लिया, और इसके बाद फिर दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सड़कों के निर्माण के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था, आप मंत्रालय ही कह सकते हैं या विभाग कह सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखिए शेर शाह सूरी की बातचीत करें, तो शेर शाह सूरी ने क्या किया, सड़कों को पक्की कराने का प्रयास किया। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोलकाता से, याद रखिएगा, कोलकाता से सीधा पेशावर तक, पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर, तो पाकिस्तान के पेशावर तक जो है उन्होंने पक्की सड़कों के निर्माण की बात की, यहाँ पर जो है इसको डेवलप कराया, इसीलिए दोस्तों शेर शाह सूरी को आधुनिक सड़कों का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक सड़कों का निर्माता किसे कहा जाता, शेर शाह सूरी को कहा जाता। इस समय देखिए शेर शाह सूरी मार्ग में NH1 की अगर हम बातचीत करें, NH1 एंड NH2 की बातचीत करें दोस्तों, तो ये दोनों मिलकर के ही कहलाते हैं GT रोड या फिर शेर शाह सूरी मार्ग, ठीक है। जिसमें NH1 में मैंने बताया दिल्ली को सीधा सीधा अमृतसर, और दिल्ली को कोलकाता NH2 के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिए हमने आगे चल के आपको बताया नागपुर योजना के विषय में, नागपुर सड़क योजना लिख सकते हैं, ठीक है, 1942 में, है ना, उसके पहले भी आप देखेंगे 1952 में दोस्तों देश में PWD विभाग की स्थापना होती है, और इस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही देखिए PWD विभाग की स्थापना हुई थी, और इन्हीं के जमाने में ही भारत में जो पहली रेलवे का संचालन हुआ था वो मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था। ये चीज को भी आपको समझना। अब इसके बाद देखिए नागपुर योजना में हमने आपको बताया कि नागपुर योजना सड़कों के विभाजन को लेकर रहेगी, आखिर भारत में किस प्रकार की सड़कें बनाई जाए। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने बताया आपको NH, इसके बाद स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स मैंने बताया, और इसके बाद आपका रूरल रोड, ठीक है, ये चार है। नेशनल हाईवे के लिए जो सिंबल होगा वो येलो एंड व्हाइट होगा, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन एंड व्हाइट होगा, इसी प्रकार से जिला सड़क के लिए क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, और रूरल रोड के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए केसरिया और व्हाइट होगा। तो कुल मिला के ये चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न आता है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-47 को आपको बताना है सबसे लंबा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 548, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पुराने सवाल की अगर बातचीत करेंगे तो 7 सबसे बड़ा था, और NH-47A सबसे छोटा था, सबसे बड़ा NH-7 और सबसे छोटा NH-47A, ठीक है। तो कुल मिला के इतने सवालों की बातचीत हम इसमें किए हैं, और अगर आप इतनी चीजों को अच्छे से याद रखते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके बाद देखिए हम प्रयास करेंगे कि इसका जो सेकेंड टाइप हो, प्रैक्टिस सेट हो, उसमें रेलवे के लिए रहेगा, इंडियन रेलवे के विषय में रहेगा दोस्तों, भारतीय रेल प्रणाली के विषय में रहेगा, ठीक है। इसकी भी शुरुआत होती है 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में, और आज तक के पूरे सफर को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर तय करेंगे। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग देख लीजिए अच्छे से, कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो किसकी सबसे अधिक लंबाई है, आगरा से मुंबई की, चेन्नई की ठाणे से, या कोलकाता की हजीरा से, या फिर पुणे की जो है दोस्तों मछलीपट्टनम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधा सीधा सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे। कल हम प्रयास करेंगे कि रेलवे के विषय में और राष्ट्रीय जलमार्गों के विषय में क्वेश्चन आपके सामने लाए जाए, ठीक है, जिससे ये पूरा का पूरा जो आपका राजमार्गों वाला जो सिस्टम है, या फिर परिवहन कहें तो ज्यादा सही होगा, भारतीय परिवहन के विषय में, इंडियन ट्रांसपोर्ट के विषय में, तो ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक, जय हिंद।